मंत्री का प्रयास लाया रंग, अब मालदेपुर से ही सीधे जा सकेंगे लखनऊ दिल्ली। मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयास पर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मालदीप, प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं दिल्ली आदि कहीं भी जाने के लिए जनपद के लोग सीधे बलिया से ही एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे। जी हां, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को मालदीपुर में जोड़ने की स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर परिवहन मंत्री को जमकर बधाई मिल रही है। बताना लाजमी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ने के लिए मांझी से बाराचवर तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर व जमीन खरीदने आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से बलिया में कट देने की मांग बलियावासी लगातार कर रहे थे। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया था और बलिया के भौगोलिक स्थिति से अवगत कराते हुए केंद्रीय मंत्री से बलिया को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए मालदीपुर में कट देकर उसे मालदीपुर से कदम चौराहा तक बन रहे फोर लेन से जोड़ने का अनुरोध किया था। मंत्री की पहल पर केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दे दी है और टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे में इसके बनने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, तो लोग यहीं से सीधा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद लखनऊ में दिल्ली आदि कहीं भी जा सकेंगे। शहर को जाम के झाम से मिलेगी निजात। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बहुत पहले की बात करें 30 वर्ष पूर्व मालदीपुर मोड़ से शहर के बाहर एक बाईपास निर्माण कराने के लिए बाकायदा शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान से कराया था, लेकिन वह बाईपास किसी कारण नहीं बन पाया, जिसके कारण आज के समय में मालदीपुर से कदम तर तक मार्ग सुबह से देर शाम तक बड़े वाहनों से जाम लगा रहता है। अभी समस्या का समाधान होने जा रहा है, हालांकि अभी इसमें बहुत समय लगेगा लेकिन बनेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलियावासियों की डिमांड को पूरा करते हुए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में मालदीपुर से कट बनाकर जोड़ने की तैयारी में है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हरी झंडी भी दे दी है। बहुत जल्द काम भी लगेगा।